दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि दुनिया के हर देश के रूल्स पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। कुछ देश के रूल्स बेहद ही ज्यादा नॉर्मल और कुछ देश के रूल्स बहुत ही ज्यादा मजेदार और तो वहीं कुछ देश के रूल्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी से 5 ऐसे देशों के बारे में बात करूंगा जहाँ के रूल्स बेहद ही ज्यादा खतरनाक है। Feel the waves cut through me, hypnotized by the... दोस्तों नंबर 5 पर आता है सऊदी अरब। मिडल ईस्ट का ये देश वैसे तो बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहा है और यहाँ के लोग भी काफी ज्यादा अमीर हैं। मगर इस देश को खास बनाती है इसके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स। इस देश में छोटी सी गलती पर भी आपको जान देनी पड़ सकती है। असल में ये देश शरिया लॉ को फॉलो करता है जो पूरी तरह से इस्लामिक लॉ है। दोस्तों रूल्स तो सख्त हैं ही, मगर यहाँ के रूल्स महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। यहाँ पर कोई भी महिला कभी भी ड्राइव नहीं कर सकती और कोई भी महिला अपने बिना फैमिली मेंबर के रेस्टोरेंट, होटल या फिर किसी भी मदद से नहीं मिल सकती। हालांकि हाल ही में वहाँ पर रूल्स में काफी ज्यादा चेंज आया है और नए रूल के अनुसार वहाँ पर कोई भी महिला ड्राइव तो कर ही सकती है, लेकिन अगर कोई भी महिला किसी गैर मर्द के साथ पकड़ी जाए तो उसकी मौत तो लगभग पक्की है। इस देश में इंटरनेट और मीडिया पर हर समय पूरा फोकस रखा जाता है और अगर कोई भी मीडिया गवर्नमेंट के बारे में नेगेटिव बोलता है तो उसको बहुत बड़ी सजा दी जाती है। दोस्तों नंबर 4 पर जो देश आता है वो है क्यूबा। मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। आप सोचते होंगे कि यार ये देश तो ना बड़ा ही कमाल है और ये देश हॉलीडे डेस्टिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। हालांकि आप सही सोचते हैं क्योंकि इस देश में बहुत ही खूबसूरत बीचेस का मजा आप बहुत ही बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। लेकिन इस देश की हिस्ट्री बताती है कि क्यूबा में रहने वाले अगर किसी भी इंसान ने वहां की सरकार के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोला तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से सजा दी जाती है और जिस भी इंसान ने वहां पर गवर्नमेंट को कुछ गलत बोला था उसकी सजा तो उसकी फैमिली को आज के दिन भी मिल रही है। अगर यहाँ पर कोई भी इंसान इंटरनेट पर गलत काम करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे सारी लाइफ जेल में बितानी पड़ सकती है। दोस्तों नंबर 3 पर जो देश आता है वो है सिंगापुर। एशिया का ये बेहद ही छोटा देश बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और खूबसूरती के मामले में तो इसके क्या ही कहने। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी बेहद ही लग्जरी है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अमीर माने जाते हैं। दोस्तों सिंगापुर एशिया की सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री मानी जाती है और टूरिस्टों के लिए ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है और यहाँ पर लोग घूमना बेहद ही पसंद करते हैं। ये कंट्री खूबसूरत तो बहुत है मगर यहाँ पर हर छोटी बात पर आपको सजा मिलेगी। इस देश में आपको छोटी सी गलती पर बहुत बड़ा फाइन देना पड़ सकता है। अगर यहाँ पर कोई भी इंसान सड़क को गंदा करता हुआ या फिर पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीता हुआ पकड़ा जाए तो उसे काफी ज्यादा फाइन देना पड़ता है। और यार अगर आप यहाँ पर बस में खाना खाते हुए पकड़े जाए तो आपको 1,000 से $3,000 फाइन के तौर पर देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा सिंगापुर की टॉयलेट में पानी ना डालने पर आपको जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों नंबर 2 पर जो देश आता है वो है चाइना। विकास के मामले में तो इस देश का कोई भी जवाब नहीं है, लेकिन इस देश में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाए। अगर इस देश में सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन की बात भी करता है तो उसे पूरी तरह से मार कर इस दुनिया से ही गायब कर दिया जाता है। वहाँ के रूल्स के अनुसार अगर कोई भी इंसान चाइना के लोगों में वेस्टर्न थॉट्स डालने की कोशिश करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। और कोई भी इंसान अगर एक दूसरे को सरकार के रूल्स के खिलाफ भड़काता है तो उसे मौत की सजा भी हो सकती है। और दोस्तों इसके अलावा आपको तो पता ही होगा कि YouTube, Facebook और WhatsApp चाइना में पूरी तरह से बैन है। इसके अलावा चाइना की पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे चैनल पर चाइना की वीडियोस तो देख ही सकते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर जो देश आता है वो तो आप सब गेस कर ही सकते हैं, नॉर्थ कोरिया। इस देश की काली सच्चाई और काले कानूनों के बारे में तो आप सब जानते हैं। इस देश में कोई भी अपनी मर्जी से बाल नहीं कटवा सकता और ना ही कोई अपनी मर्जी की कार ले सकता है और कार रखना तो यहाँ पर बहुत बड़ा अपराध है। यहाँ पर लोग इंटरनेट भी नहीं चला सकते। हालांकि इस देश का अपना खुद का इंटरनेट तो है मगर उस पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि काम की चीज हो और इसी के चलते ही ये देश इंटरनेट ना होने के चलते
पूरी दुनिया से हर समय कटा रहता है। अगर कोई इंसान यहाँ पर अपराध करता हुआ पकड़ा जाए तो उसकी सजा उसके परिवार की 3 पीढ़ियों को मिलती रहती है। यहाँ पर कोई भी जीन्स नहीं पहन सकता। अगर नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान बाइबल पढ़ते हुए या फिर पॉर्न मूवी देखते हुए पकड़ा जाए तो उसको तो उसी समय मार दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे पूरी दुनिया के 5 ऐसे देश जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सख्त कानून लागू है। इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक आपको कौन सा लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करने के साथ ही वीडियो को सबके साथ शेयर भी जरूर करना, और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।